संभल में बात का बना बतंगड़, झूठी घटना से बड़ा तनाव, एक घंटे तक चले ईंट पत्थर, बरेली में कांवड़ यात्रा पर सियासत, दो समुदाय आए आमने सामने, यूपी का माहौल कौन बिगाड़ रहा है? देखिए, यूपी के बरेली में कांवड़ यात्रा निकालने को लेकर विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। कल एक बार फिर हजारों की संख्या में दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। हालात तनावपूर्ण होते देखकर जिले में फोर्स और पीएसी को मौके पर भेज दिया गया। ये दो तस्वीरें देखिए, एक सड़क पर बमबोले के जयकारे लगाती भीड़ और भीड़ के पीछे पीछे पुलिस का भी। ये हालात बन गए बरेली में नेशनल हाईवे 24 की नकटकिया पुलिस चौकी के सामने। हालात बिगड़ने से रोकने के लिए पुलिस फोर्स और पीएसी को तैनात कर दिया गया। खजूरिया, उमरिया और नकटकिया गांव में तनाव को देखते हुए हर रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। हर जगह पुलिस बल तैनात है। मामले की शुरुआत हुई थी सावन के आखिरी सोमवार से एक दिन पहले। खजूरिया गांव से कावड़ियों के जत्थे को मुस्लिम बहुल उमरिया गांव से गुजरना था। मुस्लिम बहुल गांव उमरिया के लोगों ने इसका विरोध किया और सैकड़ों लोग जमा हो गए, जिसके बाद डीएम ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी। बीजेपी नेता कांवड़ियों के साथ आकर खड़े हो गए, जिसके बाद कांवड़िये धरने पर बैठ गए। कल फिर एक अफवाह के बाद एक समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। कुछ ऐसा लगता है कि कुछ जो हमारी सूचना है कि कुछ अफवाह फैल गई या कुछ लोगों के मन में आशंका आई, तो प्रशासनिक अधिकारियों से कहा गया कि लोगों को समझा दें और एहतियात के तौर पर पर्याप्त पुलिस बल भी है और मजिस्ट्रेट भी है और आगे भी रहेंगे वहाँ पर। विश्व हिंदू परिषद का दावा है कि लोग इसलिए नाराज हैं क्योंकि प्रशासन कांवड़ यात्रा निकालने ही नहीं दे रहा। हालांकि पूरे मामले में दोनों पक्ष शांति की बात कर रहे हैं। शांतिपूर्वक तरीके से कांवड़ यात्रा संपन्न करा दीजिए, यही जनता की मांग और कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा कोई नहीं चाहता। खजूरिया, उमरिया और नकटकिया में तनाव को देखते हुए पुलिस, पीएसी और मजिस्ट्रेट को तैनात कर दिया गया है। सवाल उठ रहा है, आखिर कब तक धर्म को मोहरा बनाकर राजनीति होती रहेगी? आखिर कब तक वोट बैंक को साधने के लिए लोगों को भड़काया जाता रहेगा और आखिर कब तक इसकी सजा आम लोगों को भुगतनी पड़ेगी? तो देखिए, सिर्फ बरेली ही नहीं बल्कि संभल में भी दो समुदाय आपस में भिड़ गए। सारा जो झगड़ा है वो एक मस्जिद के पास गाली देने को लेकर शुरू हुआ। देखिए हुआ क्या था। रात के अंधेरे में भी ये ईंटें वो पूरी कहानी कह रही हैं जो संभल के नखासा में घटी है। महिलाओं के बदन पर आई ये चोटें पत्थरबाजी की कहानी बयां कर रही हैं। बताया जा रहा है, कसूरबा गांव में एक धर्मस्थल के पास खड़े होकर मोबाइल फोन पर गाने बजाने से झगड़ा शुरू हुआ। शराब पीकर खड़े दो युवकों और एक मुस्लिम युवक के बीच कहासुनी से शुरू हुए झगड़े में धीरे धीरे दोनों समुदाय शामिल हो गए, जिसके बाद मारपीट हुई और दोनों तरफ से पथराव हुआ। उसने झापड़ मार दिया, शराबी ने अंसार के झापड़ मार दिया। अंसार ने जो है वो चिपटे चिपटे हो गई। सूचना मिलने पर एएसपी, एसडीएम, सीओ समेत तीन थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने पथराव कर रहे लोगों को लाठियां फटकार कर खदेड़ा। जो प्रारंभिक बात प्रकाश में आई है उसके हिसाब से एक समुदाय के दो तीन लोग शराब पी करके एक मस्जिद के सामने खड़े होकर के कुछ गाली गलौज कर रहे थे, जिसका विरोध दूसरे समुदाय के लोगों ने किया है। उसमें दोनों समुदायों के बीच हल्की फुल्की मारपीट हुई है। अभी यही बातें प्रकाश में आ रही है। हमारी लड़की की चोट देखो, वो एक ने धक्का दिया, मैंने रोकने की कोशिश करी तो मेरे ये डंडा मारा। मुस्लिम पक्ष की महिलाओं ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया है। गांव में सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए पुलिस और पीएसी तैनात कर दी गई है। तो सवाल तो ये है कि बरेली और संभल, इन दोनों ही जिलों में आखिर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? हालांकि पुलिस जांच इस पूरे मसले की कर रही है। संभल में बात का बना बतंगड़, झूठी घटना से बड़ा तनाव, एक घंटे तक चले ईंट पत्थर, बरेली में कांवड़ यात्रा पर सियासत, दो समुदाय आए आमने सामने, यूपी का माहौल कौन बिगाड़ रहा है? ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।